बीजेपी सांसद केपी यादव 2 दिवसीय शिवपुरी दौरे पर है। बीती रात उनका ऑटो चालक यूनियन ने शहर के माधव चौक चौराहे पर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने गणेश पंडाल में पूजा अर्चना की, साथ ही सामाजिक संगठन पब्लिक पार्लियामेंट के सदस्यों से विकास योजनाओं पर चर्चा की। यही नहीं, उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। जिला अस्पताल में केपी यादव ने मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की और उनकी समस्या जानी। इतना ही नहीं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द अस्पताल की खामियों पर अधिकारियों से चर्चा कर समस्याओं का समाधान करेंगे। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट है। कुछ लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए मेरी उनसे बात हुई है कि स्टेबलाइजर जल्दी से ले लेंगे, फ्लैक्चुएट हो रहा है शायद, तो पर उसको वोल्टेज उतना नहीं मिल रहा है, तो मेरी बात हुई है। उन्होंने एक हफ्ते का मुझे आश्वासन दिया है कि हफ्ते भर के अंदर हम मंगा लेंगे मशीन, और जैसे ही स्टेबलाइजर आ जाएगा तो एक वो मशीन भी चालू होगी। कई मरीजों ने आपसे खाना को लेकर शिकायतें करी कि खाना सही नहीं मिल रहा है उसमें आपको। खाना मैंने स्वयं देखा है, कुछ मुझे थोड़ा सा डाउट है। कल मैं जो भी मेस देखते हैं यहाँ का, कल मैं उनसे बात करूंगा और क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे और बेहतर खाना लोगों को पहुँचा सके उस बारे में बात। सर एक बहुत ही दिनों में निराकरण हो जाएगा। देखिए, हमें और आपको समस्याएं तो हमेशा हर जगह आती रहती हैं, लेकिन हम और आप अगर जागरूक रहें तो समस्याओं का समाधान भी निकल आता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। सांसद जी, यहाँ पे मूलभूत समस्या पानी की है, और पानी के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही वाटर कूलर लगे हुए हैं। तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि उस बारे में बात करूँगा, वाकई उतने पर्याप्त वाटर कूलर नहीं है, तो मैं कल कलेक्टर मैडम से ही बात करूँगा और इन लोगों से ही बात हुई है। वाटर कूलरों का हम इंतजाम करेंगे, अगर इनके पास वैसे तो पर्याप्त फंड होता है हॉस्पिटल के पास, फिर भी अगर ज़रूरत लगी तो मैं अपने फंड से दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मुंगवानी वेन